मिस्ट्री बाय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मेटलर्जी। मेटलर्जी ट्वेल्थ में भी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आती है। मेटलर्जी के पांच स्टेप फिक्स हैं और वो कौन से स्टेप हैं हम देखते हैं उन स्टेप्स को। पहला हम ओर को जमीन में से निकालते हैं, फिर उसका ओर का कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन करने का मतलब होता है हम ओर पे से मिट्टी वगैरह हटा देते हैं, ठीक है ना। फिर हम करते हैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करने के बाद में हम ओर की करते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग का मींस होता है मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर देना, और लास्ट में हम कर देते हैं प्योरिफिकेशन। तो मैं आपको इनमें से हर स्टेप को वन बाय वन करके पढ़ाऊंगा। तो पहला स्टेप हम ओर निकालेंगे, सेकंड स्टेप में हम उस ओर का कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, फिर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करेंगे, फिर स्मेल्टिंग कर देंगे, और स्मेल्टिंग के बाद में मेटल निकाल देंगे, ठीक है। तो मेटलर्जी का मींस क्या होता है कि अगर हम किसी ओर से मेटल निकालें तो इस पूरे प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं। और मेटलर्जी में फाइव स्टेप्स आते हैं, कौन कौन से? ओर कॉन्सेंट्रेशन, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन और प्योरिफिकेशन, ओके। तो हम आगे चलेंगे और फिर से देखेंगे इसमें क्या क्या होता है। तो हम चलते हैं मिनरल्स की तरफ। तो मिनरल्स क्या होते हैं? जो भी चीज हम जमीन में से खोद कर निकालते हैं, उसको हम मिनरल्स कहते हैं। और उन मिनरल्स में से जिससे मेटल को हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको हम ओर कहते हैं। तो जैसे हमने चार पांच मिनरल निकाले और उसमें से एक से सबसे ज्यादा मेटल प्रॉफिटेबल निकली तो हम उसको कह देंगे ओर। एग्जाम्पल में चार स्टूडेंट पढ़ते हैं, सारे स्टूडेंट 10,000 फीस देते हैं और बाकी सारे एक स्टूडेंट 40,000 फीस देता है, तो जो 40,000 फीस देगा वो बच्चा ओर हो जाएगा और बाकी सारे बच्चे मिनरल्स हो जाएंगे। कुछ मेटल्स के ओर हमेशा नेटिव स्टेट में मिलते हैं, और वो जो नेटिव स्टेट में ओर मिलते हैं वो होते हैं AU, AG, प्लेटेनियम और कॉपर। मतलब ये चार ओर नेटिव स्टेट से मिलते हैं। ये हमने कोलाइडल में भी बताया था क्या कि ब्रीडिंग आर्क मेथड से इन चार मेटल्स के हम कोलाइडल बना सकते हैं। अब 16 फैमिली एलिमेंट को हम चालकोजन फैमिली कहते हैं, ठीक है ना। तो चालकोजन फैमिली क्यों कहते हैं? क्योंकि 16 फैमिली के जो दो एलिमेंट है ऑक्सीजन और सल्फर, वो हर ओर में प्रेजेंट होते हैं। या तो ओर ऑक्साइड होगा, या ओर सल्फाइड होगा, या ओर सल्फेट होगा, या फिर ओर कार्बन। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट ओर है, देख सकते हैं। पहला है अर्जेंटाइट सिल्वर का ओर है और Ag2S है। दूसरा है सिनेवार जिसका फॉर्मूला HgS है, और तीसरा है PbS गैलिना। ये सल्फाइड के तीन इंपॉर्टेंट है। अब हम आ गए ऑक्साइड ओर की तरफ। ऑक्साइड ओर कॉपर का क्यूपराइट है, क्यूपराइट के बाद में जिंकाइट जिंक का है, और थर्ड है हमारा बॉक्साइट। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का ओर है, और फोर्थ है टिन का SnO2 जिसको हम कैसेटराइट कहते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ओर है और JEE के एग्जाम में आ चुका है। और फिर है हमारा इंपॉर्टेंट इलेमनाइट और रूटाइल, और ये टाइटेनियम का ओर है, ये भी कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं कार्बोनेट ओर की तरफ। तो हम देख सकते हैं कार्बोनेट ओर में पहला है मेलाकाइट ग्रीन। मेलाकाइट ग्रीन में का फॉर्मूला होता है कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। अगर हम इसको काफी देर तक रखे रहे तो ये वाटर से रिएक्ट कर एटमोस्फेयर की CO2 से रिएक्ट करता है, और इसमें कार्बोनेट के मॉलिक्यूल दो हो जाते हैं, और दो होते ही इसका कलर ब्लू हो जाता है। इसलिए जब हम कॉपर के बर्तन को मॉइस्ट एयर में रखा छोड़ देते हैं तो कॉपर का बर्तन ग्रीन और ब्लू कलर दिखाता है। तो ये ट्वेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटेटिव के लिए इंपॉर्टेंट हो ही सकता है। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट जिसको हम डोलोमाइट कहते हैं। नेक्स्ट है कैलामाइन का फॉर्मूला जिंक कार्बोनेट।
तो बच्चों जिसके फॉर्मूले से एलिमेंट का पता नहीं लगता वही थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सिडेराइट आयरन का ओर है और इसका फॉर्मूला Fe3। सेरुसाइट इज इंपॉर्टेंट और ये कॉम्पिटिटिव के लायक है। सेरुसाइट इज ओर ऑफ लेड कार्बन लेड और फिर व्हाइट लेड। व्हाइट लेड का फॉर्मूला है पीवी ओएच ट्वाइस और पीवी कार्बोनेट। इसको हम व्हाइट पेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। सल्फेट में इंपॉर्टेंट ओर है एंग्लेसाइट जिसको हम PbSO4 कहते हैं और ये सिलिकेट ओर है ZnO SiO2 2H2। मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो हम चलते हैं। हमने यहाँ पर ओर देख लिया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ओर जो है वो है कैसेटराइट एलिमिनाइट रूटाइल TiO2 SnO2। ठीक है ना, 12th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है मेलाकाइट और एजुराइट ब्लू। हम चलते हैं नेक्स्ट। और मिनरल्स के ऊपर कुछ मिट्टी वगैरह चुपकी हुई होती है, उसे हम गैंग या गैंगू के नाम से जानते हैं। तो अनवांटेड रॉक के अर्थी सैंडी मटेरियल्स इज नोन एज गैंगू, इसको हम गैंगू कहते हैं। अब आया कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मीन्स होता है कि अगर उससे रिमूविंग गैंगो और मैट्रिक्स को हटाना और से कॉन्सेंट्रेशन होता है। कॉन्सेंट्रेशन का जो फर्स्ट मेथड है उसको हम कहते हैं हैंड पिकिंग। हम हाथ से चुन चुन कर मिट्टी पत्थर को निकाल देते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं। और तीसरा है ग्रेविटी सेपरेशन। दूसरा, इस ग्रेविटी सेपरेशन में हम ओर को पानी से धोते हैं तो जिससे हैवी मटेरियल जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो बहुत लाइटर मटेरियल होते हैं वो पानी के साथ बहकर चले जाते हैं। ये दोनों ही किसी एग्जाम में आने लायक नहीं होते मेरे हिसाब से। अब आया मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन हम तब यूज करेंगे जब और मेटल या इम्प्यूरिटीज में से कोई एक मैग्नेटिक हो। ठीक है ना, जैसे टिन स्टोन SnO2। SnO2 का नाम अभी अभी आपको बताया था, कैसेटराइट कहते हैं। तो इसमें वुल्फ्राम की इम्प्योरिटीज होती है, ये नीट में आ चुका है। वुल्फ्राम की इम्प्योरिटीज होती है और क्रोमाइट और जिससे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाते हैं उसमें सिलिकॉन की नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज होती है। अब इसको करते कैसे हैं तो हम देख सकते हैं। हम यहां से क्या है ओर को डालेंगे, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक दोनों चीजें उसमें मिली हुई है। जब ओर इस पर घूमता हुआ जाएगा तो जो मैग्नेटिक ओर है वो तो इस मैग्नेटिक व्हील से चिपक जाएगा और जो नॉन मैग्नेटिक है वो पहले ही गिर जाएगा। तो पहले जो ढेर बनेगा वो तो होगा नॉन मैग्नेटिक का और बाद में जो दूसरी ढेरी बनेगी क्योंकि ये चिपक कर इसके साथ जाएगा तो मैग्नेटिक पार्टिकल्स अलग हो जाएगी। ये मैग्नेटिक सेपरेशन का मेथड है। तो 12th वालों के लिखने के आ सकता है और कॉम्पिटिटिव वालों में आ सकता है कि टिन स्टोन में से वुल्फ्राम की इम्प्यूरिटीज को कैसे रिमूव करेंगे। हम चलते हैं फिर नए जो न्यू मेथड है उसका नाम है फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। और ये सारे ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम बोर्ड एग्जाम हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है और हम 10th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस को हम सल्फाइड ओर के लिए यूज करते हैं बच्चों। अब कोई बचेगा सल्फाइड ओर के लिए क्यों, क्योंकि सल्फाइड के पार्टिकल ऑयल की ड्रॉप पर एड्सॉर्ब हो जाते हैं, मतलब ऑयल की ड्रॉप की सरफेस पे अटैच हो जाते हैं। और क्योंकि ऑयल पानी से हल्का होता है इसलिए वो तैरकर पानी की सरफेस पे आ जाता है और फ्रोथ बना देता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है, इसमें ऑयल कौन सा यूज करते हैं। हम ऑयल वैसे तो कोई भी यूज कर सकते हैं लेकिन हम वो ऑयल यूज करेंगे जिसकी कॉस्ट कम हो। और कॉस्ट कम किसकी होगी, जिसको हम खाने में यूज नहीं करते। तो पाइन ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, इन ऑयल्स को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, अगर झाग या फ्रोथ अच्छी तरह नहीं आ रहा हो तो फ्रोथ को बढ़ाने के लिए हम उसमें Na2S और कॉपर सल्फेट को एज ए एक्टिवेटर की तरह ऐड कर देते। ठीक है ना, और फ्रोथ टूटे नहीं इसके लिए हम उसमें पोटेशियम और सोडियम मिथाइल जेंथेट को ऐड कर देते हैं। ये काफी एग्जामों में आ चुका है। और दूसरा फ्रोथ स्टेबलाइजर है जो NCERT में दिया हुआ है, क्रिसोल और एनिलिन को भी फ्रोथ स्टेबलाइजर की तरह यूज करते। अब एक प्रॉब्लम आती है कि अगर दो सल्फाइड और एक साथ हुए तो फिर हम उनको पहले हमें अलग करना पड़ेगा। तो दोनों को अलग करने के लिए हम डिप्रेसेंट का यूज करते हैं। डिप्रेसेंट NCERT का क्वेश्चन है और आई थिंक 3rd या 4th क्वेश्चन है, व्हाट इज रोल ऑफ डिप्रेसेंट इन
फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में डिप्रेसेंट का क्या यूज है? तो डिप्रेसेंट में हम एक ऐसा सब्सटेंस लेते हैं जो एक ही सल्फाइड से रिएक्ट करता हो, और इसके लिए हम जनरली सल्फर साइनाइड का यूज करते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल है कि हमारे पास पीवीएस और जेडएनएस एक साथ मिले हुए, अब हम चाहते हैं कि इन दोनों को अलग कर दें। तो हम इस जेडएनएस और पीवीएस के मिक्सचर की रिएक्शन सोडियम साइनाइड से कराते। तो लेड का साइज बहुत बड़ा है इसलिए कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, जबकि जिंक का साइज छोटा है तो जिंक कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो जिंक NaCN के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाकर वाटर सोल्यूबल हो जाएगा और रह जाएगा कौन? PbS। इस तरह हम जिंक और लेड सल्फाइड को अलग अलग कर सकते हैं। तो बच्चों डिप्रेसेंट का काम क्या हुआ? डिप्रेसेंट क्रिएट द सोल्युबिलिटी डिफरेंस बिटवीन टू सल्फाइड। डिप्रेसेंट दो सल्फाइडों में से एक सल्फाइड को फ्रोथ बनाने से रोक देता है। हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। नेक्स्ट मेथड का नाम है हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी का दूसरा नाम केमिकल मेथड और तीसरा नाम लीचिंग। इस प्रोसेस को हम तब यूज करते हैं जब इम्प्यूरिटीज या और किसी डेफिनेट मेटल किसी डेफिनेट सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो लेकिन इम्प्यूरिटीज उसमें सॉल्युबल नहीं हो। इसके तीन एग्जाम्पल है इम्पॉर्टेंट जो एग्जामों में आते हैं। पहला एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम को हम बेयर प्रोसेस से निकालते हैं और इसमें हम NaOH यूज करते हैं। NaOH यूज इसलिए करते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम NaOH में सॉल्युबल हो जाता है लेकिन इसमें जो इम्प्यूरिटीज होती है Fe2O3 की वो NaOH में सॉल्युबल नहीं होती है। सेकेंड मेथड है Ag और Au को जिसको हम साइनाइड प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में हम Ag और Au की रिएक्शन KCN या NaCN से कराते हैं जिसको मैक ऑर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। और लास्ट मेथड तीसरा इंपॉर्टेंट मेथड है कॉपर। लो ग्रेड कॉपर को हम एसिड की हेल्प से लीच कर लेते हैं। ये दो तीन साल पहले CBSE बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। तो कॉम्पिटिटिव में तो क्वेश्चन ऐसे आता है एल्यूमिनियम किस मेटल को हाइड्रोमेटलर्जी और केमिकल मेथड और लीचिंग से प्योरीफाई करेंगे। तो चॉइस होंगे एल्यूमिनियम Ag Au एंड कॉपर। तो हम यहाँ पर एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास बॉक्साइट का ओर है और बॉक्साइट में इम्प्यूरिटीज होती है Fe2O3 की। तो हमने क्या किया है बॉक्साइट की रिएक्शन NaOH से करा दी एक्वस सॉल्यूशन में। तो हमें ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स मिल गया और आयरन उसमें नीचे सेटल हो गया। हमने फिल्टर करके आयरन को बाहर निकाल दिया। अब हमने इसको लिया और हीट कर दिया। हीट किया तो क्या हुआ कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और NaOH मिला और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को स्ट्रॉन्ग हीट करने से हमको मिल गया क्या Al2O3। तो Al2O3 हमारा प्योरीफाई हो गया है। तो इसको हम कहेंगे बेयर्स प्रोसेस। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में हम सिल्वर को देखेंगे। हमने सिल्वर का ओर लिया Ag2S और इसकी रिएक्शन NaCN से कराई। तो NaCN ने Ag के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया और इसमें जो इम्प्यूरिटीज थी वो सॉल्यूशन में ही नीचे इंसॉल्युबल होंगी। इसका थर्ड मेथड है गोल्ड। जब हम गोल्ड की रिएक्शन KCN, H2 और O2 से कराते हैं तो गोल्ड का ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है और गोल्ड में जो इंसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज हो जाती है तो वो नीचे बैठ जाएंगी। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या सीखा? हमने यहाँ पर सीखा कि केमिकल मेथड लीचिंग और हाइड्रोमेटलर्जी से हम एल्यूमिनियम सिल्वर गोल्ड और कॉपर को प्योरीफाई कर सकते हैं। हम चलते हैं। हमने ओर का कॉन्सेंट्रेशन कर लिया है और अब हम ओर को लेके चल रहे हैं रोस्टिंग की तरफ। रोस्टिंग को हिंदी में कहते हैं जलाना बर्न करना। आपने रोस्टेड मुर्गा सुना होगा, रोस्टिंग मूंगफली सुनी होगी। तो हम इसमें क्या करते हैं ओर को लेकर जलती हुई आग में तपाते या जलाते। अब रोस्टिंग से हम बेसिकली सल्फाइड या पायराइट ओर को ही करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जब हम सल्फाइड ओर को एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो जो सल्फाइड का ओर होता है वो ऑक्साइड में बदल जाता है और वॉलेटाइल इम्प्यूरिटीज निकल जाती हैं। मतलब कुछ सल्फर SO2 बनकर
निकल जाती है। अब बच्चा कहेगा हम रोस्टिंग करते ही क्यों है, क्योंकि बच्चों सल्फर और ऑक्सीजन के साइज में से सल्फर का साइज बड़ा होता है। आपने फजान रूल में पढ़ा होगा कि जिसका एनायन बड़ा होता है वो ज्यादा कोवलेंट होता है, तो CO2S ज्यादा कोवलेंट है CO2O के कंपैरिजन में, और जो ज्यादा कोवलेंट होता है उसका रिडक्शन आसान नहीं होता है, इसलिए हम इस सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं रोस्टिंग से, जिससे कि ऑक्साइड का रिडक्शन इजिली हो जाए। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि पायराइट ओर से सल्फर कॉपर निकालना डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि पायराइट ओर सल्फाइड ओर है, उसका रिडक्शन आसान नहीं है, इसलिए पहले हम करेंगे उसकी रोस्टिंग। अब हम चलते हैं कैल्सिनेशन। हम कैल्सिनेशन क्यों करते हैं, कैल्सिनेशन में हम ओर को एयर के एब्सेंस में या लिमिटिंग सप्लाई में ही हीट करते हैं। इसके दो मेन प्रोसेस हैं, एक तो वॉलेटाइल इम्प्यूरिटीज हट जाएगी, ठीक है ना, दूसरा रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, जितनी भी मॉइस्चर होगी वो हट जाएगी। तीसरा इंपॉर्टेंट रोल है जो कॉम्पिटिटिव में आ सकता है कि कोई भी कार्बोनेट ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कोई क्वेश्चन आया हमने कार्बोनेट को ऑक्साइड में क्यों चेंज किया, क्योंकि कार्बोनेट में कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होता है, तो कार्बोनेट का रिडक्शन आसान नहीं होगा, जबकि ऑक्साइड का रिडक्शन आसान होता है क्योंकि इसमें आयोनिक नेचर होता है। तो देखो जब हमने आयरन कार्बोनेट जिसको हम सिडराइट मिनरल कहते हैं हीट किया तो FeO बन गया, जब हमने Fe2O3 2H2 इसको हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हैं इसको हीट करने से इसकी मॉइस्चर निकल गई। जिंक कार्बोनेट को हम कैलामाइन कहते हैं और कैलामाइन को हीट करने से ZnO बन गया। PbCO3 को हम सेरुसाइड कहते हैं तो सेरुसाइड को गर्म करने से PbO बन गया, क्योंकि PbO का रिडक्शन PbCO3 के कंपैरेटिवली आसान होगा। और लास्ट में हमारा डोलोमाइट मिनरल को हीट करने से हमको कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो हमने बच्चों फाइनली रोस्टिंग में क्या सीखा कि सल्फाइड ओर के लिए करते हैं और रोस्टिंग में सल्फाइड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि ऑक्साइड का रिडक्शन इजियर होता है। अब हमने कैल्सिनेशन में क्या सीखा, कैल्सिनेशन में लिमिटेड सप्लाई में करते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर में करते हैं और मेल्टिंग पॉइंट के नीचे करते हैं, जिससे कार्बोनेट और ऑक्साइड में बदल जाता है क्योंकि ऑक्साइड का रिडक्शन कार्बोनेट के कंपैरेटिवली आसान होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, हम देखते हैं फ्लक्स क्या होता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है जो सब्सटेंस इंप्यूरिटीज को हटाने में हेल्प करे उसको हम फ्लक्स कहते हैं। जब फ्लक्स इंप्यूरिटीज से रिएक्ट करता है तो स्लैग बन जाता है। अब फ्लक्स दो टाइप का होता है, एक एसिडिक फ्लक्स, इसका एग्जाम्पल है SiO2, और SiO2 का यूज हम बेसिक इंप्यूरिटीज को हटाने में करते हैं। तो FeO की इंप्यूरिटीज को हटाने के लिए एसिडिक फ्लक्स डालते हैं जिससे हमें स्लैग मिल जाता है। ये 11th-12th की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि कॉपर की मेटलर्जी में सिलिका का काम क्या है। तो सिलिका का काम है बच्चों FeO की इंप्यूरिटीज को हटाना, और दूसरा फ्लक्स होता है बेसिक फ्लक्स। बेसिक फ्लक्स तब यूज करते हैं जब एसिडिक इम्प्यूरिटीज मिली हुई हो, तो ये आयरन की मेटलर्जी में यूज करते हैं, तो ये इससे रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट का स्लैग बना लेता है। तो बच्चों हमने फाइनली फ्लक्स में क्या सीखा, फ्लक्स इम्प्यूरिटीज को हटाता है, फ्लक्स दो टाइप का होता है। एसिडिक फ्लक्स का एग्जाम्पल है SiO2 जो कॉपर की मेटलर्जी में यूज होता है, और बेसिक फ्लक्स का एग्जाम्पल है लाइम CaO जिसको हम आयरन की मेटलर्जी में यूज करते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फर्नेस। टाइप्स हिंदी में फर्नेस को भट्टी कहते हैं, भट्टी का मतलब जिसमें हम उसको जलाएंगे। फर्नेस कई टाइप की होती है, पहली फर्नेस का नाम है ब्लास्ट फर्नेस, और ये रिडक्शन फर्नेस है, मतलब मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन में काम आएगी। दूसरी फर्नेस का नाम है रिवर्बेटरी फर्नेस, इसकी खास बात यह है इसमें ओर को डायरेक्टली हीट नहीं करते हैं, सिर्फ उसकी हॉट एयर से हीट करते हैं। ऐसा हमने शादी में देखा होगा, पनीर को आग के ऊपर लटका देते हैं तो पनीर धुएं से या हीट से हॉट हो जाता है, और इसको हम रोस्टिंग और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही प्रोसेस में यूज कर सकते हैं।
तीसरी फर्नेस कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, मफल फर्नेस। मफल फर्नेस को जिंक की मेटलर्जी में यूज करते हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है वो है एनीलिंग। एनीलिंग का मीन्स होता है किसी भी चीज को धीमे धीमे से ठंडा करना, और एनीलिंग को हम ग्लास को बनाने में यूज कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव के लिए क्वेश्चन आ जाएगा कि ग्लास को किस भट्टी में बनाते हैं, तो ग्लास को बच्चों बनाते हैं मफल फर्नेस में। अब आए हम टाइप्स ऑफ मेटलर्जी की तरफ। हमने मेटलर्जी देखी होंगी, कई टाइप की होती है, और पहली मेटलर्जी का नाम है पायरोमेटलर्जी। ये सीबीएसई के लास्ट एग्जाम, लास्ट से लास्ट एग्जाम में आया था। पायरो का मतलब होता है हीट करना, और मेटलर्जी का मतलब मेटल एक्सट्रैक्ट करना। तो जिस भी मेटल को हीट करके निकालते हैं उसको हम पायरोमेटलर्जी कहते हैं, और इसके लिए कॉपर और आयरन मेन मेटलर्जी हैं जो हमारे कोर्स में है, ठीक है ना। वैसे हम इन सारे ही मेटल्स को हीट करके निकाल सकते हैं पायरोमेटलर्जी से। और हाइड्रोमेटलर्जी से हम निकालते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर को। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोमेटलर्जी। हमने अभी अभी देखा ही है। अब आया इलेक्ट्रिक मेटलर्जी से। इलेक्ट्रिक मेटलर्जी से हम किसी को भी निकाल सकते हैं, और इससे सबसे प्योर मेटल मिलती है। इलेक्ट्रिक मेथड में हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करते हैं। लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है कि एल्कली मतलब फर्स्ट ग्रुप, एल्कलाइन मतलब सेकेंड ग्रुप, और एल्यूमिनियम मतलब थर्ड ग्रुप का एलिमेंट। ये सारी रिएक्टिव मेटल है और इनको सिर्फ इलेक्ट्रिक मेथड से ही निकाल सकते हैं। जैसे हमने कॉपर को कोक से या सीओ से निकाल सकते हैं, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम को हम उस मेथड से नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, और कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट इनको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। हम चलते हैं आगे, और नए प्रोसेस का नाम है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग का मतलब होता है बच्चों मेटल ऑक्साइड को किसी रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से, किसी रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से मेटल में कन्वर्ट कर देना स्मेल्टिंग होता है। और रिड्यूसिंग एजेंट हम इलिंगम डायग्राम की हेल्प से सेलेक्ट करते। दूसरी बात, किसी भी मेटल ऑक्साइड से मेटल निकालने के लिए उसकी डेल्टा जी रिएक्शन की नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम देखते हैं आयरन और इसका। तो जब हम जिंक की रिएक्शन कार्बन के साथ करते हैं तो जिंक और सीओ मिल जाता है, और इस रिएक्शन की डेल्टा जी नेगेटिव होती है, इसलिए ZnO के लिए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? कार्बन। तो बच्चों हमने सीखा जिंक के लिए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन है। अब चलते हैं आयरन की तरफ, ठीक है ना। आयरन की मेटलर्जी के लिए CO बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो बच्चा पूछेगा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड 673 केल्विन पर आयरन का रिडक्शन कर देता है, जबकि कार्बन 1123 केल्विन टेम्परेचर पर आयरन का रिडक्शन करता है। और 1123 केल्विन टेम्परेचर जनरेट करने के लिए हमें ज्यादा फ्यूल बर्न करना पड़ेगा, जिससे हम जो आयरन एक्सट्रैक्ट करेंगे उस आयरन की बच्चों कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो आयरन की मेटलर्जी के लिए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? CO। ये एनसीईआरटी का 6 क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं है, सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि लोअर CO और C में से 673 केल्विन टेम्परेचर पर कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड Fe2O3 का 673 केल्विन टेम्परेचर पर रिडक्शन कर दे। अब आया ऑटो रिडक्शन। ये कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हम चलते हैं ऑटो रिडक्शन की तरफ। ऑटो रिडक्शन का मतलब होता है खुद ही मेटल का रिडक्शन हो जाना। ये 12th के लिए इंपॉर्टेंट कम है और कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम HGS की रोस्टिंग करते हैं तो रोस्टिंग में ही ये मरकरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन आता है कौन सी मेटल
रोस्टिंग में ही एक्सट्रैक्ट हो जाती है। और इसका एकमात्र एग्जाम्पल है अपनी बुक में मरकरी। मरकरी रोस्टिंग में क्या होता है, HGS से पहले HGO बनता है और HGO और HGS आपस में ही रिएक्ट करके रोस्टिंग में ही मेटल दे देता है। कॉपर में भी ऐसा ही होता है, लेकिन कॉपर के लिए हमको हीट करना पड़ता है। रोस्टिंग में डायरेक्ट मेटल सिर्फ मरकरी निकलती है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में वो हमसे कहता है कि Cr2O3 की हीट ऑफ फॉर्मेशन 540 किलो जूल है, जो नेगेटिव वैल्यू है, और Al2O3 की वैल्यू -827 किलो जूल है, जो भी नेगेटिव है। ठीक है, अब वो पूछता है क्या क्रोमियम का रिडक्शन एल्यूमिनियम से हो सकता है। तो हो सकता है अगर रिएक्शन की डेल्टा जी नीचे नेगेटिव आए तो। तो हमने देखा कि यहां पर दोनों की वैल्यू उसने हीट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म्स में दे रखी है। एल्यूमिनियम और क्रोमियम की वैल्यू ये रेस्पेक्टिवली है। एल्यूमिनियम की हीट ऑफ फॉर्मेशन -827 और क्रोमियम की हीट ऑफ फॉर्मेशन 540। अब हम डेल्टा जी निकालने के लिए थर्मोडाइनेमिक्स में चलेंगे, और थर्मोडाइनेमिक्स कहती है कि प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो हमने ये इक्वेशन बना ली, और अब इस इक्वेशन में प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की वैल्यू को माइनस कर देंगे। क्योंकि क्रोमियम और एल्यूमिनियम फ्री एलिमेंट है, इसलिए इनकी डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होगी। तो Al2O3 में से हमको Cr2O3 की वैल्यू को माइनस करना है। तो जब हमने एल्यूमिनियम की -827 में से एल्यूमिनियम की -540 को माइनस किया, तो आप देख सकते हैं हमको -287 वैल्यू मिली, जो नेगेटिव है। इसका मींस एल्यूमिनियम क्रोमियम को रिड्यूस कर सकता है। इसको हम एल्यूमिनियम थर्माइट वेल्डिंग भी, एल्यूमिनियम थर्माइट प्रोसेस भी कहते हैं। अब एनसीईआरटी में इसमें क्वेश्चन है, इसकी डेल्टा जी नेगेटिव है, फिर भी ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर क्यों नहीं होती है। क्योंकि बच्चों, इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, तो हमें बाहर से कुछ टेम्परेचर देना पड़ता है, और एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो फिर रिएक्शन अपने आप ही आगे बढ़ती है। हम देखते हैं लिंगम डायग्राम का यूज, और हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि कार्बन और सीओ में से कौन ZNO के लिए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ZNO के लिए कार्बन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि इसके साथ डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। अगर इस ZNO की जगह पर बच्चों Fe2O3 आ जाए, तो फिर आयरन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, CO बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि CO Fe2O3 को 673 केल्विन टेम्परेचर पर रिड्यूस करते हैं। अब हम देखते हैं लिंगम डायग्राम। आजकल लिंगम डायग्राम के काफी क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने लगे। तो वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, पर मैं आपको बिल्कुल एक सुपर ट्रिक बताता हूं कि आप देख सकते हैं ये मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का लिंगम डायग्राम है, और ये इनका क्रॉस सेक्शनल पॉइंट है। अब बच्चों, जो मेटल नीचे होती है वो ऊपर वाले ऑक्साइड को रिड्यूस कर देती है। तो आप देख सकते हैं 873 केल्विन तक मैग्नीशियम नीचे है, लेकिन उसके बाद मैग्नीशियम ऊपर चली गई है और एल्यूमिनियम नीचे आ गई है। ये एल्यूमिनियम आ गई है। तो अब बच्चों क्या होगा, मैग्नीशियम Al2O3 को 1873 केल्विन के नीचे रिड्यूस कर देगा, लेकिन 873 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि एल्यूमिनियम नीचे आ गया है, इसलिए एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। ये क्वेश्चन JEE में आ चुका है और नीट में भी आने के चांस है। तो फिर से रिपीट करता हूं, नीचे वाली मेटल ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देती है। ये बहुत ही आसान तरीका है, जिससे आप आसानी से इलिंगम डायग्राम की हेल्प से रिड्यूसिंग एजेंट देख सकते हैं। हम चलते हैं, तो हमने मेटलर्जी के स्टेप्स में स्मेल्टिंग तक आ गए हैं। अब हम चलते हैं लास्ट स्टेप, जिसको हम कहते हैं प्योरिफिकेशन। तो बच्चों, प्योरिफिकेशन में पहला स्टेप है, पहला मेथड है, जिसका नाम है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन से हम उस मेटल को प्योरीफाई करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा।
क्योंकि जैसे ही हम मेटल को मेल्ट करना शुरू कर देंगे, लो मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल लिक्विड बनकर नीचे की तरफ फ्लो करेगी और प्योरिफाई हो जाएगी। तो आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, लेड लेड बिस्मिथ टिन और लेड को किस मेथड से प्योरिफाई करते हैं? लिक्विडेशन से, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। सेकेंड मेथड, डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम उन मेटल्स को प्योरिफाई करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि आसानी से वेपराइज हो जाएंगे। और इससे हम तीन मेटल को प्योरिफाई करते हैं जिनके नाम है जिंक, कैडमियम, मरकरी। तीसरा मेथड का नाम है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से हम सारी ही मेटल्स को प्योरिफाई कर सकते हैं और ये सबसे बेस्ट मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी इम्प्योर मेटल है उसका एनोड बनाते हैं और प्योर मेटल का कैथोड बनाते हैं। अब जिस मेटल को प्योरिफाई करना होगा उसका इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे। कैसे? जैसे हमें कॉपर को प्योरिफाई करना है तो हम इस सॉल्यूशन में फिलअप कर देंगे कॉपर सल्फेट, पूरे में भर देंगे कॉपर सल्फेट। अब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो एनोड से कॉपर जाए, कॉपर सल्फेट जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कॉपर जाकर कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा और एनोड से कॉपर का एटम फिर सल्फेट से अटैच होगा और कॉपर सल्फेट फिर से रिज्यूम हो जाएगा। फिर एक कॉपर जाएगा कैथोड पे डिपॉजिट होगा, फिर एक कॉपर आएगा और ये दोनों ही काम साइमल्टेनियसली होते हैं। धीमे धीमे करके एनोड से सारी कॉपर जाकर कैथोड पर कलेक्ट हो जाएगी और जो गंदगी होगी वो नीचे बैठ जाएगी, जिसको हम एनोड मड कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? एनोड मड। एनोड मड में जब हम कॉपर की मेटलर्जी करते हैं तो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम होती है, इसलिए इसको फेंकते नहीं है। या क्वेश्चन आता है एनोड मड में कौन सी मेटल होती है, तो बच्चों एनोड मड में होती है कौन सी? सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम। अब एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन भी आता है कि हमने मेटलर्जी पूरी कर ली, कॉपर प्योरिफाई हो गया, एनोड मड भी निकल आई, अब जो कॉपर सल्फेट इस कंटेनर में भरा हुआ था उसकी मोलैरिटी क्या होगी? उसकी मोलैरिटी बिल्कुल पुरानी जितनी होगी, क्योंकि जैसे ही एनोड से कॉपर आना बंद होगा कैथोड पर कॉपर का जाना भी बंद हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट की मोलैरिटी इलेक्ट्रोलिसिस से पहले और बाद में सेम रहती है। अब आया जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग का हम यूज कब करते हैं? जब हमें अल्ट्रा प्योर मेटल बनानी है और अल्ट्रा प्योर मेटल की जरूरत हमें सेमीकंडक्टर्स बनाने में पड़ती है, ठीक है ना। इसका कंसेप्ट क्या है कि जो इम्प्यूरिटीज होती है वो मोल्टन स्टेट मेटल में ज्यादा सॉल्युबल होती है देन सॉलिड। अब इसको हम समझते हैं क्या, हमने क्या किया, इस ट्यूब के अंदर इम्प्योर मेटल को भर दिया और इसमें हीटर चलाया। ये हीटर चलाया तो इसके नीचे के, जैसे हमने ब्लू वाले को हीटर समझ लिया, तो जब हम इसको चलाएंगे तो इसके नीचे के प्योर मेटल और इम्प्योर मेटल दोनों ही इम्प्यूरिटीज सॉल्युबल हो जाएंगी और इसको थोड़ा स्लैंटिंग झुका कर रखेंगे ऐसे। अब दोनों ही यहां से फ्लो करेगी तो जो मेटल सेमीकंडक्टर के लिए बनानी है इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, तो ये तो यही सॉलिडिफाई हो जाएगी और इम्प्यूरिटीज आगे सॉल्युबल मेटल में चली जाएगी। धीमे धीमे करके हम इस प्रोसेस को कई बार करेंगे तो पीछे का पूरा पोर्शन प्योर मेटल का या एलिमेंट का हो जाएगा और आगे इम्प्योर इम्प्यूरिटीज होंगी जिसको हम काट कर अलग कर देंगे और हमें अल्ट्रा प्योर मेटल्स मिल जाएगी। हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है और इसका नाम है वेपर फेज रिफाइनिंग प्रोसेस। वेपर फेज रिफाइनिंग प्रोसेस का कंसेप्ट यह है कि सबसे पहले हम मेटल की रिएक्शन एक ऐसे कंपाउंड से कराएंगे जिसके साथ वो वोलाटाइल कंपाउंड बना ले। अब वोलाटाइल कंपाउंड बन जाएगा तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको किसी दूसरे कंटेनर में एक्युमुलेट कर लेंगे और फिर जब उसको हीट करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। इस मेथड में दो कंसेप्ट आते हैं और पहला है वॉन ऑर्कल। वॉन ऑर्कल से टाइटेनियम और जिरकोनियम को प्योरिफाई करते हैं, ये जेई मेन्स के एग्जाम में आ चुका है। हमने टाइटेनियम सॉलिड की रिएक्शन जब आयोडीन के साथ में करी तो टाइटेनियम आयोडाइड का गैसियस सब्सटेंस मिल गया।
इस टाइटेनियम आयोडाइड को जब हमने गर्म किया तो टाइटेनियम फिर से ब्रेक हो गया और टाइटेनियम प्योर मिल गया और इम्प्यूरिटीज यहीं पर रह गई थी। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसका नाम है मॉन्ट प्रोसेस। ये भारत के सारे ही एग्जामों में आ चुका है कि मॉन्ट प्रोसेस से किस मेटल को प्योरीफाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, निकिल की रिएक्शन सीओ से कराते हैं। सीओ के साथ में निकिल वोलाटाइल निकिल टेट्रा कार्बोनिल बनाता है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। ये लास्ट जेई के एग्जाम में आया था। अब जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर टेट्रा कार्बोनिल ब्रेक हो जाता है और हमें प्योर निकिल मिल जाती है। बच्चों निकिल का एस्टिमेशन, अब बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, निकिल का एस्टिमेशन तो हम करते हैं डीएमजी मेथड से और निकिल का प्योरिफिकेशन करते हैं मॉन्ट प्रोसेस से। प्योरिफिकेशन के नेक्स्ट मेथड का नाम है क्रोमेटोग्राफी। तो हम चलते हैं क्रोमेटोग्राफी मेथड को हम तब यूज करते हैं जब सब्सटेंस बहुत कम क्वांटिटी में हो और वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इस प्रिंसिपल का नाम है आप देख सकते हैं क्रोमेटोग्राफिक मेथड बेस्ड ऑन डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। ठीक है ना, डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। अब बच्चा कहेगा डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन क्या होता है, तो बच्चों डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन क्या होता है कि जैसे हम एग्जाम्पल में सब समझते हैं, जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो हम सबके एडजॉर्ब होने की पावर अलग अलग होती है। कुछ बच्चों को ज्यादा समझ आता है और कुछ बच्चों को कम समझ आता है। तो जिसको ज्यादा समझ आता है वो ज्यादा एडजॉर्ब कर लेता है और जिसको कम समझ में आता है वो कम एडजॉर्ब करता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारे पास एक वाटर में दो कलर मिक्स हो गए हैं। कौन कौन से कलर, एक रेड कलर, ठीक है ना, और एक रेड कलर के अलावा हम देख लेते हैं कौन सा कलर, ग्रीन कलर। तो हमारे हमने पानी में दो कलर को मिला दिया और अब हम चाहते हैं दोनों कलर मिक्स हो जाए। तो हमने क्या किया, उस पानी को इस क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में से पास किया। क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में हमने भर रखा है Al2O3। कौन भर रखा है, Al2O3, जो एडजॉर्प्शन के काम आता है। या हम इसमें कोई दूसरा एडजॉर्बेंट भी भर सकते हैं। अब जब हमने दोनों को इस क्रोमेटोग्राफी कॉलम में डाल दिया तो दोनों ही सब्सटेंस की एडजॉर्ब होने की रेट अलग अलग है। तो आप देख सकते हैं जब ये इसमें से पास हुआ तो रेड वाले ने तो यहां पर बैंड बना ली और ग्रीन वाले ने यहां पर बैंड बना ली। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रीन और रेड कलर अलग हो चुके हैं। अब हमें इसको निकालना है, तो हम इसको निकालने के लिए सॉल्वेंट का यूज करेंगे और जिस सॉल्वेंट को यूज करते हैं इस प्रोसेस को हम इल्यूशन कहते हैं। तो कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आता है कि इल्यूशन का मतलब क्या है, इल्यूशन का मतलब है एडजॉर्ब सब्सटेंस को सॉल्वेंट की हेल्प से निकालना। अब बच्चों इल्यूशन में सॉल्वेंट यूज कैसे करेंगे, ये कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम सॉल्वेंट कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले नॉन पोलर, फिर सेमी पोलर और फिर मोस्ट पोलर कंपाउंड। ठीक है ना, दूसरी बात, ग्रीन कलर ज्यादा एडजॉर्ब हो रहा है, रेड कलर कम एडजॉर्ब हो रहा है। अब हम चलते हैं प्योरिफिकेशन के लास्ट दो मेथड की तरफ जो कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो दो मेथड कौन कौन से हैं, वो दो मेथड है क्यूपलेशन और पोली। क्यूपलेशन प्रोसेस से हम सिल्वर को प्योरीफाइड करते हैं और इस प्रोसेस में क्या करते हैं, हम हड्डी की राख से कटोरी बनाते हैं। कटोरी का मतलब क्यूपल बनाते हैं और इस क्यूपल में चांदी को डालकर गर्म करते हैं। चांदी में बेसिक इम्प्यूरिटीज लेड की होती है, लेड की इम्प्यूरिटीज होती है तो कटोरी या हड्डी लेड को एब्जॉर्ब कर लेती है और चांदी प्योरीफाई हो जाती है। हमने पहले सुना होगा लेडेड पेट्रोल यूज करते थे, लेडेड पेट्रोल को इसीलिए बंद किया गया क्योंकि जो लेड पेट्रोल में ऐड करते थे वो लेड एटमॉस्फेयर में जाता था, फिर हमारी बॉडी में एड्जॉर्ब होता था, एड्जॉर्ब होने से हमारी हड्डियों में कैंसर बढ़ने लगा, इसलिए लेड को बंद कर दिया। और लास्ट प्रोसेस है पोलिंग। पोलिंग कॉपर का प्योरिफिकेशन मेथड है जो ट्वेल्थ में नॉर्मली नहीं आता। 12th में कॉपर का अगर प्योरिफिकेशन पूछे तो इलेक्ट्रोलिटिक मेथड करने से मार्क्स मिलते हैं।
इस मेथड में हम कॉपर को पिघलाकर हरे डंडों से हिलाते हैं। हरे डंडे का मतलब है ताजा पेड़ की लकड़ी। जब हम ताजा पेड़ की लकड़ी से हिलाते हैं तो उसमें से मीथेन गैस निकलती है। वो मीथेन गैस रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है और ये सारे ही एग्जामों में आ चुका है। तो हमने इस मेटलर्जी में बेसिक कंसेप्ट में क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने ओर्स देखे। और सल्फाइड होता है, कार्बोनेट होता है, ऑक्साइड होता है, जिसमें मेरी तरफ से सबसे इंपॉर्टेंट कैसेटराइट और एंग्लेसाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर है, ठीक है ना। फिर हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर किया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करने के बाद में हमने रोस्टिंग करी, जो सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में बदल देती है, क्योंकि ऑक्साइड का रिडक्शन आसान होता है। या हमने कैल्सिनेशन करी, क्योंकि कैल्सिनेशन से कार्बोनेट ओर ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्साइड का रिडक्शन इजियर होता है, ठीक है ना। फिर ओर के कॉन्सेंट्रेशन के हमने तीन मेथड पढ़े। पहला मेथड था मैग्नेटिक, जो इंपॉर्टेंट था। दूसरा था फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, और लास्ट प्रोसेस था केमिकल सेपरेशन। केमिकल और हाइड्रोमेटलर्जी और लीचिंग से हम सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर को निकाल सकते हैं, और लो ग्रेड कॉपर को। फिर हम स्मेल्टिंग में चले गए। स्मेल्टिंग ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं, जिसमें हम मेटल ऑक्साइड की हेल्प से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। आयरन की मेटलर्जी के लिए CO बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये 673 केल्विन पर रिडक्शन करता है। जबकि जिंक की मेटलर्जी के लिए कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और मरकरी और कॉपर की मेटलर्जी में कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं करता। फिर हमने एलिंगम डायग्राम देखा और उसमें सीखा कि नीचे वाली मेटल ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देती है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दो बार दिया हुआ है कि मैग्नीशियम Al2O3 को कब रिड्यूस करेगी, तो 873 केल्विन टेम्परेचर के नीचे मैग्नीशियम Al2O3 को रिड्यूस कर देती है, लेकिन 1873 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को एड्सॉर्ब कर देती है, प्योरीफाई कर देती है। फिर हमने प्योरिफिकेशन का मेथड देखा, जिसमें फर्स्ट था डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन से जिंक, कैडमियम, मरकरी को प्योरीफाई करते हैं, और लिक्विशन से हम लेड, बिस्मिथ, टिन को करते हैं। फिर तीसरे मेथड का नाम था जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग से हम अल्ट्रा प्योर मेटल और सेमीकंडक्टर को बनाते हैं। फोर्थ मेथड का नाम था वेपर फेज रिफाइनिंग, जिसमें हम मोल्ड प्रोसेस से निकेल को, और वॉन ऑर्कल मेथड से हम टाइटेनियम और जिरकोनियम को प्योरीफाई करते हैं। लास्ट में था क्यूपलेशन प्रोसेस, जिससे हम सिल्वर को प्योरीफाई करते हैं, और सबसे लास्ट था पोलिंग। पोलिंग में कॉपर को प्योरीफाई करते हैं। तो हमने यहाँ पर प्योरिफिकेशन पढ़ लिया। अब इंडिविजुअल मेटलर्जी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। तो आप तैयार हो जाए, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर और गोल्ड की मेटलर्जी, और हमारा मेटलर्जी चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो शेयर करते रहें दूसरों के साथ, जिससे ज्यादा से ज्यादा व्यू आ सके। केमिस्ट्री बेस संदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आयरन की मेटलर्जी। आयरन की मेटलर्जी में हम सबसे पहले देखते हैं आयरन के ओर। आयरन का जो मेन ओर है, उसको हम हेमेटाइट कहते हैं, और ये रेड कलर का होता है। जबकि Fe3O4 को हम मैग्नेटाइट कहते हैं। मैग्नेटाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मैग्नेटिक नेचर का होता है और इसका कलर ब्लैक कलर का होता है। जब जंग लग जाती है तो Fe2O3 3H2O बन जाता है, जिसको हम लेमोनाइट और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। इसके कार्बोनेट ओर का नाम होता है सिडराइट, और फॉर्मूला होता है FeCO3 सिडराइट। इसके सल्फाइड ओर को आयरन पाइराइट कहते हैं, और इसको फूल्स गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, जिसको SO2 बनाने के काम में यूज करते हैं। और इसका सिक्स ओर है कॉपर आयरन पाइराइट, जिसको चालको पाइराइट भी कहते हैं। बच्चों, एक कैल्को पाइराइट भी होता है, जो कॉपर का ओर होता है, ठीक है ना।
तो ये है हमारे ओर। अब हम देखते हैं आयरन की फॉर्म। आयरन की चार फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म का नाम होता है पिग आयरन। पिग आयरन में 4% से ज्यादा कार्बन होता है, इसलिए सबसे प्योर फॉर्म है। आयरन के दूसरे फॉर्म का नाम है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में कार्बन का कंटेंट 2.5 से लेकर 4% तक होता है। और कास्ट आयरन दो फॉर्म में मिलता है, एक होता है बाइट कास्ट आयरन, और बाइट कास्ट आयरन में जो कार्बन होता है वो Fe के साथ Fe3C बना लेता है, जिसका नाम होता है सीमेंटाइट। ये नीट के पेपर में आ चुका है। और दूसरा होता है ग्रे कास्ट आयरन, जिसमें कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में होता है। इसके थर्ड फॉर्म को हम रॉट आयरन कहते हैं। रॉट आयरन में 0.12 से लेकर 0.25% तक कार्बन होता है, और ये आयरन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। रॉट आयरन को हम फेवर आयरन भी कहते हैं, और इसको पुडिंग मेथड से बनाते हैं। और आयरन की फोर्थ फॉर्म का नाम है स्टील। स्टील में कार्बन 0.25 से लेकर 2% तक होता है, मतलब रॉट आयरन और कास्ट आयरन के बीच में, और इसको ग्रेनुलर आयरन भी कहते हैं। कुछ बच्चे स्टील को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि यह अलॉय है। नहीं बच्चों, अलॉय होता है स्टेनलेस स्टील, ठीक है ना। स्टील इज अ फॉर्म ऑफ आयरन। हम चलेंगे नेक्स्ट, बदल जाएगा।
हम चलते हैं कॉपर मेटलर्जी की तरफ। कॉपर को हम कॉपर का जो मेन ओर है वो है चालकोपायराइट, जिससे हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसका दूसरा ओर है जिसका नाम है चालकोसाइट, ठीक है ना। तो बच्चों चालकोपायराइट और चालकोसाइट में आप डिफरेंस कर लें, दोनों ही कॉपर के ओर है, पर चालकोपायराइट में आयरन होता है और चालकोसाइट में नहीं होता। इसके तीसरे ओर का नाम है मेलाकाइट ग्रीन। मेलाकाइट ग्रीन एक डबल सॉल्ट है क्योंकि इसमें कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। अगर हम मेलाकाइट को कुछ दिनों तक रखा छोड़ दें तो ये एयर से रिएक्ट करता है और इसका जो हाइड्रोक्साइड वाला पार्ट है वो उसके एक मॉलिक्यूल और कार्बोनेट में बदल जाता है। तो मेलाकाइट में से एजुराइट में दो कॉपर के मॉलिक्यूल हो जाते हैं और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल एक हो जाता है और इसका कलर ब्लू हो जाता है। ये कॉम्पिटिटिव में आ सकता है कि जब हम कॉपर के बर्तन को एयर में मॉइस्ट एयर में खुला छोड़ते हैं तो उस पर ब्लू और ग्रीन परत आ जाती है जो मेलाकाइट ग्रीन और एजुराइट ब्लू की होती है। CO2O को हम रूबी कॉपर कहते हैं। रूबी कॉपर का रंग रेड होता है, इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। D10 में ये कलर दिखाता है जिसका रीजन होता है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। और ये इसका अगला ओर है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, बोरोनाइट नाम है। और तीसरा एटकेमाइट, कॉपर क्लोराइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड को मिलाकर एटकेमाइट कहते हैं। तो हम देखते हैं कॉपर के मेन ओर कॉपर पाइराइट से कॉपर निकालने का मेथड, क्योंकि कॉपर पाइराइट एक सल्फाइड ओर है तो हम इसको सबसे पहले ले जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन मेथड में। और जितने भी सल्फाइड ओर हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन हम करते हैं सल्फाइड फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस से। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम यूज करते हैं पाइन ऑयल कॉपर का या किसी का भी सल्फाइड ओर, और एयर जब पास करते हैं तो फ्रोथ बन जाता है। फ्रोथ को स्टेबलाइज करने के लिए हम पोटेशियम जेंथेट, क्रिसोल या एनिलीन यूज करते हैं। अगर फ्रोथ नहीं बन रहा है तो कॉपर सल्फेट या Na2S मिला देते हैं। और अगर हमें दो सल्फाइड ओर में डिफरेंस करना है तो हम उसमें मिला देते हैं साइनाइड, क्योंकि साइनाइड क्या करता है, एक ओर को बनने से रोक देता है। अब भाई हम फिर लेके जाते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग रिवर्बेटरी फर्नेस में करते हैं। रोस्टिंग एयर की प्रेजेंस में की जाती है जिससे फ्री सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड बनकर निकल जाती है। एक काम तो क्या हुआ, दूसरा काम, इससे जो वॉलेटाइल इंप्यूरिटीज हैं वो भी हट जाती हैं। जैसे आर्सेनिक की इंप्यूरिटीज आर्सेनिक ऑक्साइड बनकर निकल जाती है। बच्चों नोट कर सकते हो आर्सेनिक एक कैटालिटिक पॉइजन है, अगर किसी भी रिएक्शन में हम आर्सेनिक डाल दें तो रेट कम हो जाता है। और जो कॉपर पाइराइट था वो टूटकर Q2S, FeS और SO2 में बदल जाता है। जब हम रोस्टिंग कर लेते हैं तो फिर हम स्मेल्टिंग में जाते हैं, ठीक है ना। स्मेल्टिंग में क्या होता है, जो FeS यहां से बना था वो FeS O2 से रिएक्ट करके FeO बना लेता है और SO2 उड़ जाती है, और FeO सिलिका से रिएक्ट करके स्लैग बना लेता है। ये NCERT का क्वेश्चन है और एग्जाम में आ भी चुका है कि कॉपर की मेटलर्जी में सिलिका का क्या फंक्शन है। कॉपर की मेटलर्जी में सिलिका फ्लक्स का काम करता है जो FeO की इंप्यूरिटीज को बाहर निकाल देता है। स्मेल्टिंग ब्लास्ट फर्नेस में की जाती है और इससे जो मैटर बनता है उसको मैट कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में आया हुआ है। मैट का फॉर्मूला Cu2S और FeS मेनली होता है। कुछ बुक्स में FeO भी दिया होता है जो मेरी समझ में रॉन्ग है। इसके बाद हम बेसमराइजेशन प्रोसेस में जाते हैं। बेसमराइजेशन प्रोसेस में कॉपर मैट की हीटिंग करते हैं तो जो रिएक्शन स्मेल्टिंग में हुई थी ऑलमोस्ट वही रिएक्शन फिर से होती है। तो बचा कुचा FeSO2 से रिएक्ट करके FeO और SO2 गैस बनाता है जो उड़ जाती है। FeO SiO2 से रिएक्ट करता है और स्लैग बना लेता है। अब इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों, ये रिएक्शन हर बच्चों को आनी ही चाहिए। CO2S का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है।
पार्शियल ऑक्सीडेशन से CO2 और SO2 में बदल जाता है। यहां बच्चे पार्शियल ऑक्सीडेशन से मतलब समझते हैं कि कम होगा, नहीं केजी में वेट के टर्म्स में अगर ये 10 किलो था तो 6 किलो का ही होगा और 4 किलो यही बच जाएगा। तो अब देखो 6 किलो तो CO2O बन गया और 4 किलो CO2S, तो दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और कॉपर और SO2 बना लेते हैं। जब ये SO2 मोल्टन कॉपर में से निकलती है तो कॉपर के सरफेस पर ब्लिस्टर या छाले पड़ जाते हैं, इसलिए इसका नाम ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। तो 12th में क्वेश्चन आ सकता है ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है, तो हम लिखेंगे व्हेन SO2 इज एस्केप फ्रॉम द मोल्टन कॉपर ब्लिस्टर फॉर्म ऑन द सरफेस इज कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कॉपर की मेटलर्जी में और मर्करी की मेटलर्जी में कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है, खुद इसमें मेटल ही रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। फर्क क्या है, कॉपर बेसमराइजेशन में जाकर रिड्यूस होता है जबकि मर्करी रोस्टिंग में ही रिड्यूस हो जाता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। कॉपर की रिफाइनिंग करने के लिए हम मेनली इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का यूज करते हैं जो हमने अभी पीछे पढ़कर आए हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में इम्प्योर कॉपर का एनोड बनाएंगे, प्योर कॉपर का कैथोड बनाएंगे और इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट और H2SO4 लेंगे, ठीक है ना। जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो प्योर कॉपर कैथोड पर एक्यूमुलेट होगा और एनोड के नीचे एनोड मड जम जाएगी जिसमें कॉस्टली मेटल होती है गोल्ड प्लेटिनियम सिल्वर, इसलिए एनोड मड को फेंकते नहीं है। सेकेंड मेथड कॉम्पिटेटिव वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, पोलिंग। पोलिंग विद ग्रीन वुड मतलब पेड़ की ताजा लकड़ी को तोड़कर गर्म कॉपर को उससे हिलाते हैं, उसमें से मीथेन गैस निकलती है जो इम्प्योरिटीज को ऑक्सीडाइज कर देती है और हमको प्योर कॉपर मिल जाता है। अब आया लो कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स एंड स्क्रैप, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और एक बार बोर्ड में भी आया हुआ है और नीट में भी। अगर लो ग्रेड कॉपर आता है तो हम उसको हाइड्रोमेटलर्जी से निकालते हैं, मतलब किसी केमिकल के हेल्प से। तो लो ग्रेड कॉपर को गड्ढे में डालकर हम उसमें कोई बैक्टीरिया या एसिड डाल देते हैं, वो एसिड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है और उससे कॉपर प्लस टू से या कॉपर सल्फेट से हमको कॉपर मिल जाता है। हम आगे देखते हैं कॉपर के अलॉय। कॉपर का पहला एलॉय है ब्रास। ब्रास में एस से पता लगता है टिन नहीं होगा, क्योंकि कुछ बच्चों को जिंक और टिन में कंफ्यूजन हो जाता है। ब्रास बनती है कॉपर और जिंक से, इसमें कॉपर होता है 60-80% और बाकी नहीं। दूसरा है गन मेटल। गन मेटल क्या होता है, कॉपर और जिंक में अगर हम थोड़ा सा टिन मिला दें तो ये गन मेटल बन जाती है और इससे बंदूक बनाने के काम में आती है और इसका परसेंटेज होता है 87%, 10%, 3%। कॉपर का तीसरा इंपॉर्टेंट एलॉय है इनवार। इनवार में 36% निकल होती है और Fe। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हम पुरानी जो घड़ियां आती थी पेंडुलम वाली, वो पेंडुलम वाली वॉच बनाते हैं, क्योंकि इसका थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशेंट बहुत कम होता है। तो इनवार पेंडुलम वाली घड़ियों का टाइम सर्दियों के टाइम में स्लो नहीं होता है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई नहीं बढ़ती है। हम चलते हैं नेक्स्ट एलॉय की तरफ। जब हम इसके दूसरे एलॉयज को देखते हैं तो इंपॉर्टेंट एलॉय है मोनल मेटल। मोनल मेटल बनाने के लिए हम कॉपर में निकेल और आयरन को मिला देते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, फ्लोरीन बनाने के लिए स्पेसिफिकली मोनल मेटल ही यूज की जाती है। अगला है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन होता है। इंपॉर्टेंस यह है कि ब्रॉन्ज से ऑर्गेनिक एसिड नहीं रिएक्ट करते हैं जबकि ब्रास से कर जाते हैं, इसलिए खाना बनाने के लिए कासा या ब्रॉन्ज बेटर मेटल है क्योंकि इसमें जो फूड के ऑर्गेनिक एसिड होंगे वो रिएक्ट नहीं करते। आगे है बेल मेटल, जिसको हिंदी में घंटा धातु कहते हैं। घंटा धातु बनाने के लिए हम कॉपर और टिन को मिलाते हैं। तो ब्रॉन्ज में उसमें फर्क यह है कि इसमें टिन 80%
और 10-20% होता है। इससे हम घंटा बजा मंदिर के घंटे बजाते हैं। मंदिर के घंटे को बजाने से उसमें से साउंड वेव्स निकलती हैं जो बैक्टीरिया को किल करती हैं, डिप्रेशन को ठीक करती हैं। इसलिए मंदिर जाने से हमको फायदा होता है। और अगला एलॉय है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में सिल्वर 0% होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है किस में सिल्वर जीरो होती है, तो जर्मन सिल्वर में 3 कंपोनेंट होते हैं, कॉपर, जिंक और निकिल। अगला है हमारा रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड कॉपर का एलॉय है और नकली सोना बनाने के काम में आता है। 1980 में जब बाबू जगजीवन राम ने गोल्ड पर रोक लगा दी थी तो तब रोल्ड गोल्ड का यूज काफी हुआ। अगला है फास्फोरस ब्रॉन्ज। इससे हम रेडियो और मोबाइल के एंटीने बनाते हैं और इसके एंटीना बनाने के लिए कॉपर, टिन, फास्फोरस को मिलाया जाता है 83%, 13% और 2% में, ठीक है ना। तो हमारी और ये है हमारी मैग्नीज स्टील। ये मैग्नीज स्टील में 12% से 15% मैग्नीज मिला दिया जाता है। इंपॉर्टेंट ये है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील एक एलॉय है जबकि स्टील एक आयरन की फॉर्म है। इसमें आयरन कॉपर के अलावा 11.5% क्रोमियम और 2% निकल होती है। और निकल की वजह से इसमें जंग नहीं लगती, क्रोमियम की वजह से जंग नहीं लगती। मैग्नीलियम, मैग्नीलियम एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का एलॉय है जिसका यूज हम एयरक्राफ्ट बनाने में करते हैं, ठीक है। और एक्लेड भी एल्यूमिनियम का एलॉय है और एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज भी एल्यूमिनियम का एलॉय है। थर्माइट वेल्डिंग से हम रेलवे ट्रैक की वेल्डिंग करते हैं। जब एल्यूमिनियम की रिएक्शन Fe2O3 से करते हैं तो Fe2O3 रिएक्ट कर हमको देता है Fe, और जो रेलवे ट्रैक में टूटे हुए पार्ट में फिट हो जाता है, रेलवे ट्रैक फिट